दोस्तों, मैनेजमेंट का लेक्चर 10 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं एक आपको टाटा नैनो का एग्जांपल दे रहा हूँ। जब टाटा नैनो को लॉन्च करना था, तब रतन टाटा का सबसे पहले उसने क्या आइडेंटिफाई किया? उसने सबसे पहले मार्केट को स्टडी किया। ठीक है, मार्केट को स्टडी करने के बाद उसने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया? उसको मार्केट को एनालाइज किया उसने, और उसके बेस पे उसने फाइंड आउट किया कि अगर मैं एक स्मॉल सेगमेंट में कार लॉन्च करता हूं तो उसको बहुत, मतलब अपने इंडिया में मेजोरिटी ऑफ लोग क्या है, मतलब मिडिल क्लास, मतलब जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी गाड़ियों को। ठीक है, तो उसने ऐसी गाड़ी बनाने के बारे में सोचा जिसको कि मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पीपल अफोर्ड कर सके। तो उसने एक स्मॉल सेगमेंट का टाटा नैनो बनाने का मतलब डिसीजंस लिया मार्केट को स्टडी करने के बाद। अब जब उसने ये बनाना था, सबसे पहले तो उसने डिजाइन इस तरह से बनाना था। नेक्स्ट स्टेप क्या था? डिजाइन कैसा रखना है? डिजाइन उसने इस तरह से रखा कि उसकी कॉस्ट कम से कम हो। देखो, कॉस्ट कम करनी है, कंस्ट्रेंट हो गया कि 1 लाख के अंदर आपने एक गाड़ी बना के देनी है, तो उसका डिजाइन इस तरह से बनाना है, उसको रॉ मटेरियल डिजाइन इस तरह से यूज करना है उसको कि वो कम से कम ऑप्टिमम कॉस्ट में आपका मॉडल डेवलप हो जाए। अब उसके बाद क्या है, आपने डिजाइन बना दिया। ठीक है, डिजाइन बनाने के बाद प्रोडक्ट आपका बन के रेडी है। ठीक है, जैसे टाटा तो फेमस ब्रांड है, तो इसको तो अलग से ब्रांड नेम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन में एट दिस स्टेज उसको एक ब्रांड नेम देना पड़ेगा। ठीक है, उसको एक मार्क देना, लोगो, जिसको कि लोगो बोलते हैं, एक ब्रांड मार्क देना पड़ेगा, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि वो उसका कॉपीराइट ले सके, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, अब ये सारी चीजें करने के बाद एक प्रोडक्ट आपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बना के तैयार कर दिया। अब तैयार करने के बाद टाटा नैनो का क्या था कि उसको अब सीधा, अब एक फैक्ट्री से निकला। ठीक है, फैक्ट्री से निकल के सीधा कस्टमर के पास पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो बीच में आप क्या रखोगे? बीच में आप रिटेलर्स रखोगे। ठीक है, दुकानें जो कि आप शोरूम में जाके खरीदते हो, तो एक रिटेलर्स रख दिए। तो रिटेलर्स ने क्या किया, कस्टमर के साथ कॉन्टेक्ट किया और गाड़ियों को सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो यार, मतलब एक गाड़ी को, मतलब गाड़ियों को सेल करने के लिए मतलब कितनी सारी प्लानिंग होती है, मतलब कितनी सारी मार्केटिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन, अब एक सेल्स मैनेजर है, मतलब उसी टाटा कंपनी में एक सेल्स मैनेजर है। ठीक है, अब रतन टाटा खुद जाके तो ये चीजों को मतलब नहीं फाइंड आउट करेगा, वो एक सेल्स मैनेजर को बोलेगा जो कि मार्केटिंग का बंदा होता है। सबसे पहले उसका काम क्या है? मार्केट को स्टडी करना है। ठीक है, मार्केट को स्टडी करने के बाद एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद बताना है कि हमें किस तरह की गाड़ी बनानी है, तो उस तरह का प्रोडक्ट डेवलप करवाना है। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलप कराने के बाद उसको ब्रांड नेम देना है। ठीक है, ब्रांड मार्क देना है, ट्रेडमार्क देना है। ठीक है, ट्रेडमार्क देने के बाद सेलिंग ऑप्शंस ढूंढनी है, प्रमोशन कैसे करना है अपनी गाड़ी का वो ढूंढना है, एडवर्टाइज करना है मार्क उसको, मतलब टीवी पे एडवर्टाइज करना है, न्यूज़पेपर पे डालना है उसको। ठीक है, उसको प्रमोशन, उसमें डिस्काउंट देना गाड़ी पे, या मतलब बहुत सारी स्ट्रेटजीज एक सेल्स मैनेजर को बनानी पड़ती हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो प्रॉफिट हो, मतलब गाड़ियों की सेल हो, वो ज्यादा हो, जिससे कि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो मार्केट को स्टडी करना हो, प्रोडक्ट को इस तरह से बनाना हो कि उसमें कॉस्ट कम लगे, या फिर उसका सेल्स का प्रमोशन डिसाइड करना हो, या फिर मतलब ब्रांड नेम देना हो, मतलब उसको ब्रांड मार्क देना हो, या फिर उसको ट्रेड मार्क देना हो, या फिर आपके ट्रांसपोर्टेशन के मेथड ढूंढने हो कि किस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, बाय बाय रिटेलर किया जाएगा। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज हैं जो कि मार्केटिंग के अंदर आती हैं, और इन्हीं एक्टिविटीज को ही, मतलब यही एक्टिविटीज को हमने एज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट में, मतलब इसी एक्टिविटीज को साइंटिफिकली कंट्रोल करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग क्या है? ये सारी एक्टिविटीज को करना। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? इन एक्टिविटीज को अच्छे से करना, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, मैं थोड़ा सा आपको मतलब इतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं करवाऊंगा, लेकिन जितना मैं करवाऊंगा उतना आपके एग्जाम के लिए 200% से भी ज्यादा मतलब सफिशियंट है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मैं मार्केट बता देता हूँ। देखो, अगर आप ट्रेडिशनल सेंस में पूछते हो मार्केट क्या होता है, जहां पे कि एक बायर होता है, एक सेलर होता है, जहां पे कि गुड्स को बेचा और खरीदा जाता है, इसको बोलते हैं हम मार्केट। ठीक है, ट्रेडिशनल सेंस में। बट अब अगर आप इसको मॉडर्न सेंस में बोलोगे, तो वहां पे जो बायर्स होता है वो आपका टारगेट बायर होता है। ठीक है, जैसे कि टाटा ने पहले स्टडी करके बताया था कि मुझे इस सेगमेंट में कार लॉन्च करनी है, तो उसने अपने लोअर सेगमेंट, मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट किया था, तो बायर्स उसके डिसाइड हो गए थे। तो मॉडर्न सेंस में एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट
आप फिक्स कर लेते हो। ये तो हो गया मार्केट। अब उसके बाद है व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है कि एक परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब जो मैंने बिजनेस एक्टिविटीज आपको जो बताई है कि सारी एक्टिविटीज, प्रोडक्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन से लेके प्रोडक्ट को डिजाइन करने से लेके उसको ब्रांड नेम से लेके उसको रिटेलर तक पहुंचाने से कस्टमर तक पहुंचाने तक सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज थी उस सारी को, मतलब वो सारी एक्टिविटीज इस तरह से मतलब काम करें कि जो गुड्स हैं वो फैक्ट्री से लेके जब तक कस्टमर तक नहीं पहुंचती, मतलब वो सारी चीजों की एक्टिविटीज को हम बोलते हैं मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग कब से स्टार्ट होती है, मतलब जब आपका प्रोडक्ट बनना स्टार्ट भी नहीं होता तब से आप उसको शुरू कर देते हो मार्केटिंग को करना। क्योंकि देखो आप मार्केटिंग में यार सबसे पहले तो आप मतलब मार्केट को स्टडी करते हो ना, तो वो तो प्रोडक्शन से भी पहले आप स्टार्ट कर देते हो। तो मार्केटिंग क्या है, पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले की एक्टिविटी को भी मार्केटिंग बोला जाता है। और मॉडर्न टाइम्स में क्या है कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में इसकी जो डेफिनेशन है थोड़ी सी चेंज होगी। वो कैसे हुई कि मॉडर्न टाइम्स में मार्केटिंग किसको बोला जाता है, जो कि सोशल प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे सोशल प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो यार आपके बायर्स है ना, आप बायर्स को स्टडी कर रहे हो और प्रोडक्ट को ऐसा बना रहे हो जैसा बायर्स को चाहिए। ठीक है, तो आप उसकी नीड के मुताबिक प्रोडक्ट बना रहे हो, ऐसा नहीं हो कि आप खुद कोई प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो और वो बायर को आप मतलब फोर्स कर रहे हो उसको कि यार आपने यही प्रोडक्ट खरीदना है। तो आप मतलब कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, इसीलिए इसको सोशल प्रोसेस भी गिना जा रहा है आजकल। ठीक है, और ये सिर्फ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आप इसको यूज कर सकते, आप इसको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि एनजीओ होते हैं, एनजीओ क्या करते हैं, मतलब जो लोग होते हैं कहीं के भी लोगों, किसी भी कंट्री के लोगों, तो वहां की भलाई के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो एनजीओ को प्रमोट करने में भी मार्केटिंग बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले कर सकता है कि उनके मतलब उनके सोशल कोर्स को वो प्रमोट कर सकता है, बता सकता है लोगों को कि लोग भी उससे अवेयर हों और वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया क्या हुआ, मार्केटिंग मैनेजमेंट की सारी जो एक्टिविटीज मार्केटिंग मार्केटिंग के रिलेटेड हो रही है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने से लेके जब तक कि वो कस्टमर तक नहीं पहुंचता, उस सारी चीजों को आपने साइंटिफिकली मैनेज करना है, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। और इसकी जो डेफिनेशन है उसको आप याद कर लो, सबसे पहले तो आपने टारगेट मार्केट को स्टडी करना है, उसको फाइंड आउट करना है, उसके बाद टारगेट मार्केट को फाइंड आउट करने के बाद जो आपके कस्टमर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं उस कस्टमर्स को आपने हमेशा इंक्रीज करते रहना है ताकि आपका मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो, और जो आपने कस्टमर सेलेक्ट किए हैं और उनको इंक्रीज कर रहे हो उनको वैल्यू प्रोडक्ट देना है। वैल्यू प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उनको सुपीरियर प्रोडक्ट देना है, उसकी क्वालिटी अच्छी देनी है। ऐसा नहीं करोगे तो वो कस्टमर आप रिटेन नहीं कर पाओगे और आपका लॉस होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप याद कर लो मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अब जो बेसिक डिफरेंस है मार्केटिंग और सेलिंग में वो क्या है, मार्केटिंग क्या है बेसिकली, तो आपको लगता होगा कि ये मार्केटिंग और सेलिंग तो दोनों सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि सेलिंग क्या है, सेलिंग एक पार्ट है मार्केटिंग का। और जैसे कि हम सेल करते हैं ना, तो सेल में यार बेसिकली क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट को बेचना है, कैसे भी बेचो आप, लेकिन मार्केटिंग में क्या करना है, मार्केटिंग में आपने जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे वैसा प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, अब आप दो कंडीशन को सपोज करके देखो, आप मान लो कि आपके कहीं पे मतलब सब्जी खरीदने ही गए, चलो ठीक है मैं आपको सब्जी बेच रहा हूँ। ठीक है, तो सब्जी खरीदने आए आप मेरे पास। अब पहले दिन क्या किया मैंने आपको ना, मतलब ऐसी मतलब आपको बोला कि यार अच्छी सब्जी है, लेकिन आपको क्वालिटी डाउन करके दे दी। ठीक है, और एक बंदा दूसरा है वो आपको क्वालिटी अच्छी दे रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक दिन तो आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया, लेकिन दूसरे दिन आप उस बंदे के पास मेरे पास आओगे कभी नहीं आओगे। ठीक है, तो उससे मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसको आप मान लो सेलिंग। ठीक है, सेलिंग में क्या करना है, मैंने एज अ सेलर मैंने क्या करना है, मैंने अपनी चीज को बेचना है कैसे भी बेचू, लेकिन एज अ मार्केटिंग मैं क्या करूंगा, मैं वही प्रोडक्ट आपको बेचूंगा जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि मैंने आपको रिटेन करना है ना यार। अगर मैं आपको रिटेन नहीं करूंगा तो मेरा फ्यूचर में लॉस हो जाएगा। ठीक है, और आप एक दिन प्रॉफिट के बदले में मैं आपका मतलब लॉन्ग टर्म मैं आपका नुकसान कर लूंगा। तो मार्केटिंग क्या बोलता है, एक सोशल कोज है। ठीक है, सोशल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और प्रोडक्ट को वैसे ही बनाते हैं जैसा कि कस्टमर को चाहिए। अब फिलोसफीज क्या है मार्केटिंग की, इसमें मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम क्या था कि यार डिमांड बहुत ज्यादा थी। ठीक है, कस्टमर बहुत ज्यादा थे लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कम थे, तो
तो उस टाइम आप जो भी बनाते वो बिक जाता। तो उस टाइम एक कॉन्सेप्ट आया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, कि यार मतलब चीज को अवेलेबल करवा दो बस, फिर तो वो बिक ही जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि थोड़ा सा यार मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब टाइम थोड़ा सा स्पेंड हुआ, उस टाइम के बाद क्या हुआ कि लोगों को अवेयर होने शुरू हुए, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलने स्टार्ट हो गए तो कस्टमर के पास ऑप्शंस होगी, वो किसी के पास भी जा सकता है। तो उसको क्या है कि वो चूज करने लग गया प्रोडक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो नया कंसेप्ट आया प्रोडक्ट कंसेप्ट, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी हम वहां से खरीदेंगे, तो वहीं से प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि यार जो अच्छा क्वालिटी दे रहा है वहीं पे लोग ज्यादा आएंगे, तो वही मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट आया सेल्स। अब क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम और एडवांस हुआ, टाइम बढ़ने के साथ क्या हुआ कि लोग और ज्यादा अवेयर हो गए। ठीक है, अब उनके पास और ज्यादा ऑप्शंस आ गई। बहुत ज्यादा ऑप्शंस आने के बाद क्या होता है कि बंदा क्या करता है कि बंदे को समझ ही नहीं आता, तो लोग क्या करते हैं, जो एज अ सेलर क्या होगा कि वो अपना मतलब एक मतलब सेल्स के मतलब प्रमोशनल एफर्ट्स लगाएगा, वो बताएगा कि यार हाँ मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो खरीद लो। अगर आप एक एडवर्टाइजमेंट दोगे, न्यूज चैनल में एडवर्टाइज करोगे अपने अपने प्रोडक्ट को, तो लोग उसको जल्दी देखेंगे, तो वो आपका प्रोडक्ट बिकने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो सेल्स प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को अग्रेसिवली मतलब बेचो, मतलब प्रमोशन से एफर्ट लगाओ, जो भी आप कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो सारे एफर्ट्स आप लगाओ। तो वो सेल्स कंसेप्ट में आया, तो वही एक मतलब फंडामेंटल बन गया कि यार अगर आप सेल्स मतलब प्रमोशन करोगे, सेल्स टेक्निक्स यूज करोगे, तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। अब टाइम थोड़ा सा और बढ़ा, आज का टाइम आ गया। आज के टाइम में क्या है कि मार्केटिंग कंसेप्ट आ गया। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि आप अगर कस्टमर को सेटिस्फाई रखोगे, कस्टमर आपसे खुश रहेगा, तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए बना रहेगा और वो आपकी चीजें को खरीदता रहेगा। जैसे कि आप फिलिप्स का एग्जाम्पल ले लो, एलजी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, मारुति की गाड़ियां ले लो, मतलब ये सारे क्या करते हैं, आपको मतलब कस्टमर को फीडबैक लेते हैं, कस्टमर को पूछते रहते हैं कि हाँ यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर मतलब प्रोडक्ट खराब भी होता है तो उसका रिपेयर भी करवा देते हैं, अंडर वारंटी भी देते हैं। तो मतलब यार मतलब कस्टमर्स को भगवान मानते हैं, कस्टमर्स की नीड्स को समझते हैं, तो इसीलिए कस्टमर उनके पास मतलब कुछ भी नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि यार मैंने मारुति की गाड़ी यूज की हुई है, वो अच्छी है, तो मैं वही पे खरीदूंगा। ठीक है, तो वो मार्केटिंग कंसेप्ट हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो मार्केटिंग कंसेप्ट के आगे है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। इसमें क्या हम बोला जाता है कि यार हाँ चलो प्रोडक्ट तो बनाओ यार, प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो कि हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट मत बनाओ कि जो कस्टमर को तो चाहिए लेकिन हमारी सोसाइटी के लिए वो खराब हो। जैसे कि मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसमें से अमीशन पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पोल्यूशन ज्यादा होगा तो यार वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके मतलब जैसे दिल्ली में हो रहा है कि प्रोडक्शन यूनिट्स तो बहुत है लेकिन वहां पे पोल्यूशन भी करेंट हो रहा है जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ, ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो जो कि मतलब सोसाइटी के लिए अच्छा हो। तो ये सारी थी फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग। तो उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में देखो, सबसे पहले क्या था, मैंने आपको बताया था कि टाटा नैनो बनानी है, तो टाटा नैनो बनाने से पहले उसको क्या करना था, मार्केट को स्टडी करना था। मार्केट को स्टडी करने के बाद उसने एनालाइज करना था, प्लान करना था कि यार हाँ मैंने एक टाटा नैनो बना सकता हूँ, स्मॉल सेगमेंट की कार बना सकता हूँ, जिसका कि प्राइस मैं 1 लाख के अंडर रखूंगा, ताकि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है मतलब मेजोरिटी ऑफ लोग हैं जो उसको कि खरीद सकें। तो मार्केट प्लानिंग करना है, मार्केट प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं कि यार आपने प्रोडक्ट को कैसा बनाना है, उसका मतलब लेंथ स्पेसिफिकेशन सारा कुछ मार्केट प्लानिंग के अंदर आप करते हो। ठीक है, उसके अंदर आप प्राइसिंग भी आप कर लेते हो, एस्टिमेट करते हो, एस्टिमेट प्राइसिंग करते हो, लेकिन फाइनल प्राइसिंग तो बाद में होती है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हो, डिजाइन करते हो, डेवलपमेंट करते हो उसकी, उसके बाद उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग का मैं आपको अंतर बता देता हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, फूड के रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप क्या करते हो उसको बोल देते हो कि यार हाँ यार मतलब इसका एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, मतलब इसकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो आप मीट कर रहे हो, मतलब एक जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं इंडिया में, हम उस स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना दिया। इसका एडवांटेज क्या होगा, अगर आप एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना रहे हो तो लोगों को पता होगा कि हाँ यार ये एक स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, जैसे कि एक आईएसओ को मीट कर रहा है, तो आईएसओ को मीट कर रहा है तो वो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, तो लोग उसको मतलब वो देख के ही खरीद लेंगे। तो आप एक स्टैंडर्डाइजेशन करोगे, उसके बाद ग्रेडिंग करोगे। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के आईफोन बनाया है, तो आईफोन के अंदर ही आप मतलब 3-4 मॉडल बना दोगे, ठीक है, जो कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोग खरीद पाए, जिसका प्राइस भी डिफरेंट हो, ठीक है, जिसमें मतलब एक में कैमरा अच्छा है, ठीक है, मतलब कैमरा का मेगापिक्सल बहुत ज्यादा है, एक में थोड़ा सा कम है, ठीक है, मतलब हर तरह के लोग उसको खरीद पाए, तो आप उसकी ग्रेडिंग कर देते हो प्रोडक्ट की। ठीक
ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, पैकेजिंग करते हो, ठीक है। पैकेजिंग करना भी यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग करने का एडवांटेज क्या है कि देखो, आप जब पैकेजिंग करते हो ना प्रोडक्ट की, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसको यार पैकेज कर दिया है, मतलब पैकेजिंग तो करनी ही है प्रोडक्ट की, लेकिन उसका दूसरा एडवांटेज क्या है कि पैकेजिंग करने से आप उसको लुक्रेटिव बना सकते हो। जैसे कि एक मैगी का पैकेट आप देखोगे तो आप लोगों को याद होगा कि हाँ यार येलो कलर का पैकेट होता है मैगी का, तो पैकेजिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। आप अगर एक मतलब बिग बाजार में जाओ, बिग बाजार में देखो, आप बहुत दूर से ही मैगी के पैकेट को आइडेंटिफाई कर लोगे। वो कैसे कर पाते हो, क्योंकि उसकी पैकेजिंग को आप याद कर लिया, आपको पता लग गया, आपके दिमाग में सेट हो गया। तो एज अ मतलब ऑर्गेनाइजेशन आप उसको यूज कर सकते हो, आप दिमाग में, लोगों के दिमाग में बिठा सकते हो एक अच्छी पैकेजिंग करके। उसके बाद होता है लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है, जैसे आपने एक यार मतलब जो मैगी का पैकेट की एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, उसकी येलो कलर में देखो, येलो जो पैकेट है उसके ऊपर देखो कितना कुछ लिखा होगा कि यार उसके इंग्रेडिएंट कौन से हैं, ठीक है, उसकी रेसिपी लिखी होगी, उसमें प्राइस लिखा होगा, उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी होगी, तो वो सारा लेबलिंग में के अंदर आता है। अब नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, देखो ब्रांडिंग होता है, ब्रांडिंग में देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, ब्रांड नेम बनाते हो। अब मैगी ने तो ऑलरेडी अपना ब्रांड नेम बना रखा है, लेकिन एक न्यू अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप सबसे पहले अपना ब्रांड नेम बनाने के बारे में सोचोगे। फिर ब्रांड मार्क, ब्रांड मार्क क्या होता है, एक लोगो बनाओगे, ठीक है अपना, ठीक है। उसके बाद ब्रांड लोगो के बनाने के बाद उन दोनों चीजों को आप क्या करोगे, आप उसका ट्रेडमार्क ले लोगे, मतलब आप उसको रजिस्टर कर दोगे, उसका कॉपीराइट ले लोगे, ठीक है, ताकि आपकी कोई चीज को मतलब कॉपी ना कर सके, आपकी रेसिपी को कॉपी ना कर पाए, ठीक है। ये सारा ब्रांडिंग के अंडर आ गया। उसके बाद रहा कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस में क्या है कि जब आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के बाद आप उसकी कस्टमर से आप उसका रिव्यू लेते रहोगे। ऐसा नहीं है कि एक बार एक प्रोडक्ट को बेच दिया और वो आपका काम खत्म हो गया, लेकिन अगर आप उसका रिव्यू नहीं लोगे, कस्टमर को खुश नहीं रखोगे, ठीक है, उसकी तो, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचा तो उसका आपको मतलब एक वारंटी पीरियड के अंडर अंडर उसका मतलब सर्विस करना है, उसको सारी मतलब कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तभी आपका मतलब मार्केटिंग का कंसेप्ट सक्सेसफुल होगा। अब नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब आपने ये सारी चीजें यूज कर ली, ठीक है, यूज करने के बाद आपने फाइंड आउट किया कि यार हाँ यार मतलब मुझे इतना प्रोडक्ट का प्राइस रखूंगा तो मेरी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। जैसे कि 1 लाख के अंदर अगर आप टाटा नैनो लेके आ रहे थे तो उससे क्या था कि मतलब आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा सेल होगी तो आपका प्राइस जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशन, ठीक है, प्रोडक्ट तो आपने बना दिया, एक प्राइस भी फिक्स हो गया, सारा कुछ फिक्स हो गया, ब्रांड नेम बन गया, सब कुछ, लेबलिंग हो गई, उसकी पैकेजिंग हो गई, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, उसके डिफरेंट मॉडल्स बन गए। अब नेक्स्ट क्या कि यार उसको प्रमोट कैसे किया जाए, ठीक है। जैसे टाटा नैनो में तो यार बहुत ही ज्यादा मतलब प्रमोशन का एक मतलब टूल है जिसको हम बोलते हैं पब्लिसिटी। पब्लिसिटी जैसे न्यूज ने ही उसका पब्लिसिटी कर दिया था, ठीक है, भी टाटा नैनो का 1 लाख के अंडर गाड़ी आ रही है। लेकिन अगर एक ऐसी और मतलब ऐसा प्रोडक्ट सोचो जो कि मतलब ज्यादा न्यूज में नहीं आ रहा, तो उसको कैसे आप प्रमोट कर सकते हो, उसमें आप कुछ डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है, उसमें आप मतलब बहुत सारे प्रमोशनल एवेन्यूज को यूज कर सकते हो, जो कि हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रमोशन करोगे उसका, उसके बाद आप प्रमोट भी कर दिए, अब आपने एक प्रोडक्ट, आपके पास डिमांड आनी शुरू होगी, ठीक है, जैसे जैसे टाटा नैनो के पास मतलब डिमांड आनी शुरू होगी कि हमें यार मतलब आप पंजाब की एग्जाम्पल लो, पंजाब से मुझे यार मतलब 1 लाख के अंदर ऑर्डर आ रहा है, तो आपने 1 लाख गाड़ियां आप सप्लाई करनी है, तो आप कैसे सप्लाई करोगे, या तो आप सीधा ही मतलब फैक्ट्री से निकालोगे, मान लो कि आपकी फैक्ट्री मुंबई में है तो आप मुंबई से निकालोगे, सीधा पंजाब में भेजोगे 1 लाख यूनिट को, लेकिन अगर आप मतलब एक 1 लाख बंदों के पास भेजोगे तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो आप क्या करोगे, आप पंजाब के अंदर ही एक रिटेलर्स बना दोगे, ठीक है, रिटेलर्स क्या करेंगे, लोग इसके पास आएंगे और यहाँ से गाड़ियां खरीदते रहेंगे, ठीक है, आपकी भी कॉस्ट बच जाएगी, आपको एक गाड़ी भेजनी है, आप उसमें गाड़ियां लोड करके रिटेलर के पास पहुंचाते रहोगे और रिटेलर आगे सेल करता रहेगा। तो एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में आप देखो कितनी सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स किसको बोलते हैं कि जो बेसिकली हम टूल्स यूज करते हैं, मिक्स का मतलब है कि जो हम टूल्स यूज करते हैं मतलब जो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज को अच्छा करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। तो इसमें 4 P's है मार्केटिंग में, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, इसके इसी के ऊपर ही आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 4 P's कौन कौन से हैं, तो आपको इसको याद कर लो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन को हम बोलते हैं 4 P's, ठीक है। तो इसको ही आपने मैनेज करके चलना है, मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं, ठीक है, इसी को आपने मैनेज करना है, इसी को आपने वेरियस मार्केटिंग टूल्स को ही आपने यूज करके मतलब अपनी टारगेट ओरिएंट, जो टारगेट मार्केट है उसको बढ़ाना है और कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, और उसके बाद उसको वैल्यू देनी है, और वैल्यू देने के बाद उस कस्टमर से आपने प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है। तो यही सारा मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट है।
ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट। देखो फोर पीस को अब हम डिस्कस करेंगे जो कि मार्केटिंग्स के पिलर भी माना जाता है इसको। ठीक है, अब सबसे पहले है प्रोडक्ट, आपने कैसा बनाना है। तो प्रोडक्ट से आप क्या समझते हो? सबसे पहले तो प्रोडक्ट आपका टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि आपका मतलब जैसे आप टूथपेस्ट की एग्जाम्पल हो, वो तो टेंजिबल प्रोडक्ट हो गया। इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या हो गए, जैसे कि सर्विसेज होगी, जैसे कि मान लो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट किया, ठीक है, तो वो तो एक सर्विस आपको दिया। बैंक में गए, बैंक में आपको एक सर्विस प्रोवाइड हुई, तो वो भी आप प्रोडक्ट के अंदर काउंट करोगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो गए, टेंजिबल भी हो गए, इनटेंजिबल भी हो गए। ठीक है, बेसिकली किस तरह से प्रोडक्ट का मतलब आपका डेफिनेशन क्या है प्रोडक्ट का, जिसका कोई वैल्यू हो, जो कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। बेसिकली टू कैटेगरीज में इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो, दो कैटेगरीज कौन सी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जो कि इंडस्ट्री खरीदती है आगे अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने मतलब एक टॉवल बनाना है, टॉवल बनाने के लिए आप क्या करते हो, कॉटन को यूज करते हो, तो रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, जो कि इंडस्ट्री यूज कर रही है। कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या हो गया, जो टॉवल है, जो कि मतलब कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं। तो ये दो तरह से आप प्रोडक्ट को मतलब क्लासिफाई कर सकते हो। अब जो आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप उसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे कि शॉपिंग एफर्ट्स कितनी आप मतलब लगाते हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, उस बेस पे आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट का मतलब है कि कितना कन्वीनियंटली आप उसको मतलब खरीद सकते हो। जैसे कि आप मान लो कि आपने दाल चावल या मतलब टूथपेस्ट खरीदना है, तो आप कहीं पे भी जाके अपने लोकलाइट मतलब कहीं पे भी जाके उसको खरीद सकते हो, मतलब उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, उसको बोलते हैं कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स। उसके बाद आ जाते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स में जैसे आप कोई क्लोथ खरीदने जा रहे हो, ठीक है, आप कोई शूज खरीदने जा रहे हो, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत आप एनालिसिस करते हो कि यार हाँ मतलब यहाँ से खरीदूंगा तो मुझे ये ऐसा अच्छा मिल सकता है, तो आप थोड़ी सी एफर्ट लगाते हो, तो वो भी शॉपिंग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं यार, मतलब जो कि स्पेसिफिक हो, जैसे कि मान लो कि आप एंटीक प्रोडक्ट्स हो गए, मतलब कोई ऐसी पेंटिंग है जो कि आप मतलब कोई पेंटिंग ही खरीदना चाह रहे हो, कोई एंटीक चीज है, मतलब पुरानी चीज है, मतलब आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की कोई चीज है, जिसको कि आप मतलब बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद ही खरीदते हो, बहुत ज्यादा स्टडी करते हो उसके ऊपर और बहुत ज्यादा शॉपिंग एफर्ट्स लगाते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आप उसको क्लासिफाई और के रूप में भी कर सकते हो, जैसे कि ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल के रूप में भी उसको आप क्लासिफाई कर सकते हो। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो कि आपकी ज्यादा देर चले। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं जो कि मतलब ज्यादा देर ना चले, जैसे कि दूध हो गया, उसको तो आपने मतलब 3 4 दिन के अंदर कंज्यूम करना ही करना है। सर्विसेज में क्या आ गया, जैसे कि आपकी ड्राई क्लीनिंग होगी, वॉश रिपेयर्स के लिए आप जा रहे हो, तो उसको भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। ये सारे हो गए आपके कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। अब आ गए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में देखो यार, आप सबसे पहले तो मटेरियल हो सकता है, मटेरियल में आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि कॉटन हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हो गया कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम में आ गया जैसे कि आप इंडस्ट्रीज में आप प्रिंटर यूज करते हो। ठीक है, प्रिंटर क्या है, एक एंसिलरी चीज है जो कि प्रोडक्शन में आपकी मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटीज को स्मूथ लाइन करने में आपकी हेल्प करता है, तो वो कैपिटल आइटम्स हो गई। सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज होगी। सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज में क्या आ गया, देखिए जो कि आपकी मतलब सर्विसेज के रिलेटेड है, जो जो आपकी मतलब आप एक बैंक में काम करते हो, ठीक है, तो बैंक में काम करने आप एक प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट क्या है, मतलब कि सर्विस के रूप में है। ठीक है, तो वो भी आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो भी आप सर्विसेज को यूज कर रहे हो वो बिजनेस सर्विसेज के अंदर आती हैं। ठीक है, अब है ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क। अब मैंने आपको बता दिया कि आप अगर आप एक मतलब जनरल नेम, जैसे कि बुक बेच रहे हो, रिस्ट वॉच बेच रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो एक जेनरिक नेम हो गया। लेकिन आप अपने प्रोडक्ट का एक नाम देना चाहते हो ताकि आपके प्रोडक्ट को वो उस नाम से जाना जाए, तो वो एक नाम होता है, टर्म भी हो सकता है, साइन, सिंबल, डिजाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम, कुछ भी हो सकता है वो चीज। ठीक है, ब्रांड। अब अगर उसका कोई नाम है तो उसको आप बोलते हो ब्रांड नेम। अगर उसका कोई मतलब आप उसको प्रोनाउंस ना कर पाओ, ठीक है, मतलब एक लोगो, एक सिंबल बना दो, तो वो हो जाता है ब्रांड मार्क। ठीक है, अब अगर आप उसको लीगली प्रोटेक्ट कर दो तो वो बन जाता है ट्रेडमार्क। अब एक जो ब्रांड नेम है यार, वो ब्रांड नेम ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए जिसको कि आप अच्छे से प्रोनाउंस कर सको, अच्छे से उसको मतलब जो कि छोटा सा हो, जिसको आप अच्छे से याद कर सको, मतलब रिमेम्बर कर सको, तो वो सारा होता है ब्रांड नेम। ठीक है, अब ब्रांड नेम की कुछ यार मतलब उसमें कुछ मतलब आप कैसा ब्रांड नेम सजेस्ट करोगे, जो कि मतलब यार जो कि प्रोडक्ट का बेनिफिट्स और उसकी क्वालिटीज को मतलब रिफ्लेक्ट करे, जो कि अलग सा हो, ठीक है, मतलब जो कि उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हो, ऐसा ना हो कि मतलब यार पैकेजिंग आपने इतनी लेंथ की है और ब्रांड नेम हो जो वो बहुत बड़ा हो। ठीक है, सफिशियंटली वर्सेटाइल टू कमोडेट न्यू प्रोडक्ट्स।
अब मान लो कि आपने एक मतलब मैगी मैगी में मतलब ब्रांड नेम दे दिया, ठीक है, मैगी दे दिया, ठीक है, उसमें आपने बोल दिया कि हाँ यार मैगी एक मिनिमम ब्रांड नेम दिया है, ठीक है। अब अगर उस मैगी का कुछ और प्रोडक्ट्स भी आते हैं तो वो भी उसमें उसके अंदर कवर हो जाए, मतलब ऐसा ना हो क्योंकि वो न्यू प्रोडक्ट्स को कवर ना कर पाए और रजिस्टर करने के लिए भी कैपेबल हो, ठीक है। तो ये सारा ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क के अंदर आएगा। उसके बाद है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। देखो पैकेजिंग एंड लेबलिंग मैंने जैसे आपको बताया सिर्फ एक रैपर नहीं है, इसको आप एक प्रमोशनल टूल के रूप में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैगी यूज करती है, उसने येलो कलर का पैकेजिंग मतलब उसकी पैकेजिंग की है कि सभी लोगों को उसके बारे में पता है, दूर से भी उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन टाइप से कर सकते हो, प्राइमरी पैकेज, जैसे कि आप मान लो कि आप एक टूथपेस्ट लिए, ठीक है, टूथपेस्ट जहां से निकलता है मतलब उसका जो प्राइमरी कवर है जहां से टूथपेस्ट निकल रहा है तो वो तो गया प्राइमरी पैकेजिंग। अब उसको आप एक डब्बे में डाल के बेचते हो, ठीक है, वो होगी सेकेंडरी पैकेजिंग। अब आप सोचो कि यार मतलब 100 100 मतलब टूथपेस्ट आपने मतलब एक जगह से मतलब दूसरी जगह पे आपने मतलब ट्रांसपोर्ट करनी है तो बहुत बड़े डब्बे में डाल के आप भेजोगे ताकि उसकी मतलब रास्ते में वो डैमेज ना हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट पैकेज। प्राइमरी पैकिंग जो कि टूथपेस्ट है, सेकेंडरी पैकिंग उसके अंदर डब्बा है जो, ठीक है, डब्बे के अंदर जो टूथपेस्ट है वो डब्बे को बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग, और ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग जो एक बहुत बड़े डब्बे में आप बहुत सारी टूथपेस्ट डाल के भेज रहे हो ताकि वो डैमेज ना हो जाए रास्ते में, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग के अंदर आता है। अब देखो इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं पैकेजिंग के। सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, मतलब जो आप पैकेजिंग कर रहे हो उससे आपका प्रोडक्ट इजिली आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट पैकेज आप करते हो। फैसिलिटेट द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि आप मतलब जो भी आप पैकेजिंग करते हो वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो आप प्रोडक्ट को अच्छे से यूज कर पाओ, ठीक है। प्रमोशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो मतलब उसका पैकेजिंग कर रहे हो वो उसका प्रमोशन भी करे, तो आपने इस तरह से पैकेजिंग करनी है। अब नेक्स्ट है लेबलिंग। देखो लेबलिंग मैंने आपको बताया कि पैकेजिंग तो आपने कर दी, पैकेजिंग करने के बाद आप उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखोगे, ठीक है, उसका कुछ एमआरपी लिखोगे, तो वो सारा लेबलिंग के अंडर आता है, ठीक है। तो उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, सबसे पहले तो जो आप लेबलिंग करते हो वो प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहिए, उसके बाद उसका ब्रांड नेम को आइडेंटिफाई करना आसानी से, मतलब आप एक मतलब मैगी के पैकेट में आप अच्छे से पढ़ पाओ, मतलब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि हाँ यार मैगी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हेल्प इन ग्रेडिंग द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, तो आप एक प्रोडक्ट को मतलब अच्छे से डिफरेंट कैटेगरीज में उसको ग्रेडिंग कर पाओ उसकी, मतलब इस तरह से आपने उसकी लेबलिंग करनी है और प्रमोशन में आपकी हेल्प कर सके। तो ये था पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में। अब नेक्स्ट है प्राइसिंग के बारे में। सबसे ज्यादा जरूरी तो यार प्राइस ही है, अगर किसी प्रोडक्ट का आप प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम होगी, और अगर आप ज्यादा करोगे प्राइस को तो मतलब डिमांड कम हो रही है, अगर कम करोगे तो ज्यादा होगी, ठीक है। मेन टारगेट मार्केटिंग का क्या है कि प्राइस आपने ज्यादा मतलब अच्छे से आपने पैसा कमाना है, तो प्राइस और मतलब पैसा कमाने के लिए आपको इसको मतलब प्राइस को फिक्स करना और किस हिसाब से फिक्स करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्राइस को मतलब डिटरमाइन करने में वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कि टाटा नैनो बनाई एक बंदे ने, ओडी बनाई, ठीक है। तो यार मतलब दोनों में बनाने में प्रोडक्ट कॉस्ट तो डिफरेंट है तो उस हिसाब से प्राइसिंग फिक्स होगा। सेकेंड है यूटिलिटी ऑफ डिमांड, ऑफ टाटा नैनो की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो डिमांड बहुत ज्यादा है तो आप उसके प्राइस को थोड़ा सा कम कर लोगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आप भी फिर अपना प्राइस थोड़ा सा कम करोगे ताकि आप कम्पीट कर सको मार्केट में। गवर्नमेंट ने आपको बोल रखा है कि इससे ज्यादा प्राइस नहीं रखना तो आपको उसको प्राइस मेंटेन करना पड़ेगा। मार्केटिंग मेथड्स, आप बहुत सारी मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग करोगे तो पैसा लगेगा, तो उसको पैसे कहाँ से लोगे, लोगों से लोगे तो उससे उसके लिए आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए प्राइसिंग के मतलब डिटरमिन करने के लिए कौन कौन से उसको फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अब यार फिजिकल के अंदर आ रहे हैं ये सारे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो सकती है। देखो एक तरीका तो है कि फिजिकल मूवमेंट करो, ठीक है, दूसरा क्या है चैनल्स के थ्रू मूवमेंट करो। अब देखो चैनल्स कौन कौन से हो सकते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आप एक गुड्स को ट्रांसफर करते हो, फैक्ट्री से ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, रिटेलर के पास, और रिटेलर कस्टमर को दे रहा है, मतलब टाइटल ऑफ ट्रांसफर हो रहा है, टाइटल ट्रांसफर हो रहा है गुड्स का
फ्रॉम द फैक्ट्री टू रिटेलर, फिर रिटेलर टू कस्टमर्स के पास वो जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के? सबसे पहले तो देखो, एक रिटेलर के पास, आप फैक्ट्री रिटेलर को दे रही है माल बेचने के लिए। अब रिटेलर के पास देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसके पास करने के लिए। सबसे पहले तो वो अपने पास मतलब डिफरेंट डिफरेंट मतलब प्रोडक्ट्स को, होमोजीनियस प्रोडक्ट को मतलब इकट्ठा करेगा, ठीक है। मान लो कि उसने मतलब काजू ही खरीदना है, ठीक है, तो काजू की डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज को अपने पास लेके आएगा, फिर उसको सोर्ट करेगा, मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बनाएगा डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। मतलब एक एक साइज का अलग कर लेगा, दूसरे साइज का अलग कर लेगा, ठीक है। फिर उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करता जाएगा, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा, एक बंडल बना लेगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बंडल बनाएगा, कम्युलेट करेगा, ठीक है। कम्युलेट करने के बाद अब उसने जैसे जैसे बेचना है, मान लो कि उसने एक एक केजी के अलग अलग पैकेट बना दिए जो कि कस्टमर को बेचने हैं, तो उसको हम बोलते हैं एलोकेशन, ठीक है। मतलब बड़ा होमोजीनियस एक मतलब काजू का बड़ा सा बंडल बनाया, एक बोरी बनाई, ठीक है। बोरी बनाने के बाद उसने क्या किया, बोरी बनाने के बाद उसने छोटे छोटे पैकेट में उसको भर दिया ताकि उस पैकेट्स को वो कस्टमर को बेच सके। असोर्टिंग का मतलब कैसे, देखो आप अगर आप मान लो कि एक रिटेलर है, ठीक है, रिटेलर के पास अब देखो अब एक मतलब किट है, क्रिकेट की किट है, ठीक है, उसमें एक बैट भी होगा, बॉल भी होगा, ग्लव्स भी होंगे, ठीक है, पैड भी होंगे, ठीक है। तो वो उसके पास ऐसे थोड़ा किट थोड़ा आती है उसके पास, तो मतलब अगर वो मतलब फैक्ट्री से खरीद रहा है तो उसके पास तो बैट आएंगे बहुत सारे, ठीक है, उसके ग्लव्स आएंगे बहुत सारे, तो वो क्या करेगा, वो उन सभी को एक एक को अलग अलग करेगा, असोर्टिंग करेगा उसकी, ठीक है। तो असोर्टिंग क्या होता है, सोर्टिंग का ऑपोजिट होता है, तो उसमें एक बैट डालेगा, एक बॉल डालेगा, ठीक है, एक ग्लव्स डालेगा, एक पैड डालेगा, ठीक है, किट बना के फिर कस्टमर को बेचेगा। उसके बाद उसका मतलब देखो प्रोडक्ट प्रमोशन करना भी, मतलब जो आप मतलब रिटेलर है उसको उसके पास फैक्ट्रीज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है। तो उसने अब प्रोडक्ट बेचना है, अब प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको प्रमोशन करना पड़ेगा कि हाँ यार प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप खरीदो। उसको नेगोशिएट भी करना पड़ेगा जो उसके पास कस्टमर आ रहा है, हाँ यार ठीक है, चलो मैं इससे 10 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, चल कोई बात नहीं, 5 रुपये मेरे यहाँ लॉस हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, कस्टमर तो आ रहा है मेरे पास, तो वो नेगोशिएट करेगा ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के साथ, ठीक है, ताकि वो उसको मतलब ज्यादा प्राइस में चीज बेच सके। फिर उसके बाद रिस्क टेकिंग भी इसकी इसकी है। अब फैक्ट्रीज ने तो अपना सारा माल रिटेलर को दे दिया, अब रिटेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ डैमेज हो जाए, कुछ होता है तो सारा, अगर माल नहीं बिकता है तो सारा रिटेलर्स की रिस्क टेकिंग होती है, ठीक है। तो ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ चैनल्स कौन कौन से होते हैं, दो तरह के चैनल्स हो सकते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है कि फैक्ट्री सीधा कस्टमर को भेज दे, ठीक है। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि फैक्ट्री बीच में रिटेलर को लेके आए और फिर कस्टमर को भेज दे, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ठीक है। तो अगर वन लेवल चैनल है तो उसमें सिर्फ एक रिटेलर होगा, अगर टू लेवल चैनल है तो उसमें होलसेलर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, अगर थ्री लेवल चैनल है तो उसमें एजेंट भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितने बंदे बीच में आएंगे तो उस हिसाब से आपके चैनल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि फैक्टर डिटरमिनिंग चॉइस ऑफ चैनल्स, देखो कौन कौन से फैक्टर्स उसको मतलब अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स हैं। अब आपका एक साइज है, मतलब प्रोडक्ट का साइज है, वो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, खाने पीने के प्रोडक्ट्स ही मान लो, दाल चावल बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको फैक्ट्रीज वाले सीधा कस्टमर को बेचने लग जाएंगे, तो मतलब वो तो उनका तो मतलब बहुत हो गया, फिर तो फैक्ट्री चलानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो बीच में रिटेलर्स को देते हैं, ठीक है। अगर बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जैसे कि गाड़ियां होगी, तो गाड़ियों को वो क्या कर सकते हैं, कार्स को वो डायरेक्टली कस्टमर को बेच सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट हो, तो उसके लिए आपको मतलब आपको इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट के साइज पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, अगर बहुत ही कोई कॉस्टली प्रोडक्ट है तो आप सीधा कस्टमर को भी भेज सकते हो, ठीक है। सेकेंड है कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब कंपनी की हालत ही नहीं है कि यार हम वो मतलब रिटेलर्स को रख सके, तो रिटेलर्स को यार मतलब उसकी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो कस्टमर को डायरेक्टली बियर कर सके। देखो कस्टमर को सीधा सेल करेगा तो कस्टमर को सीधा सेल करके क्या होगा, ठीक है, उसको अपना अपना वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा गाड़ियों को, तो वो लैंड बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, वहां पे बंदे रखने पड़ेंगे, बहुत सारा प्राइस मतलब आपको बहुत सारे मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यार इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी की हालत ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की, तो वो क्या करेगा, वो रिटेलर के पास जाएगा। तो अगर कंपनी के पास ज्यादा पैसा नहीं है तो वो इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट है कंपिटेटिव फैक्टर्स, अब कंपिटिशन ही इतना ज्यादा है कि यार हाँ मतलब पहले
गाड़ियां बिक रही हैं वो रिटेलर्स के थ्रू बिक रही हैं, तो दूसरी कंपनी जो लॉन्च हो रही है वो भी अपनी गाड़ियां रिटेलर के थ्रू ही बेचना चाहती हैं। मार्केट फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट फैक्टर में यार। मतलब जैसे कि आप मान लो कि मार्केट फैक्टर में पहले ही मतलब मार्केट आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ यार मैंने पंजाब में ही बेचना है, ठीक है, तो पंजाब में बेचने के लिए अब आप उसका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है कि मतलब एक एक तो मतलब अमृतसर में है, ठीक है, दूसरा मानसा में है, ठीक है, तो आप उसको कैसे सेल कर पाओगे, तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स मतलब एक मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर फिक्स करना पड़ेगा जो कि अलग अलग जगह पे सेल करे चीज़ों को। तो मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन पे भी आपका डिपेंड करता है मार्केट फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाता है कि जैसे कि आपकी मतलब जो मार्केट है वो बहुत डाउन चल रही है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, तो पैसा नहीं है तो यार मतलब गाड़ी खरीदने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, तो डिमांड बहुत कम है, तो आप क्या करोगे रिटेलर्स रखोगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, तो आप क्या करते हो सीधा कस्टमर को सेल करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये थे फैक्टर डिटरमिन चॉइस ऑफ चैनल्स। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है कि आप फिजिकली चीजों को मूव कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, देखो अगर आप फिजिकली मूव करोगे चीज को तो सबसे पहले तो आप देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग आपकी बहुत क्विक होनी चाहिए। देखो मतलब ऑर्डर प्रोसेसिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आपको एकदम से ऑर्डर आए तो आप उस टाइम पे उसको डिलीवर भी कर पाओ। अब उसको डिलीवर करने के लिए आपको अपनी ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, आपको वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे ताकि आपको मतलब जहाँ पे मार्केट है और जहाँ से आपकी फैक्ट्री है मतलब बीच में आपको वेयर हाउस बनाना पड़ेगा कि जब उसकी डिमांड आए तब आप उसको मतलब बहुत ही कम टाइम में उसको डिलीवर कर पाओ, तो वेयर हाउसिंग करनी पड़ेगी। अब वेयर हाउसिंग करोगे तो वहां पे इन्वेंट्री रखोगे, इन्वेंट्री रखोगे तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी, तो आपको इस तरह से इन चीजों को मैनेज करना है कि आपकी कॉस्ट भी कम लगे और आप जल्दी से जल्दी कस्टमर को डिलीवर भी कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशनल एवेन्यूज। देखो प्रमोशनल एवेन्यूज में बेसिकली क्या आता है कि आपने कम्युनिकेशन कैसे करना है, मतलब आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने जो कस्टमर्स हैं आपके वो आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी मतलब आपके आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको पता लग जाए, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन करने के लिए आप कौन से टूल्स यूज करते हो, मतलब आपके प्रमोशन करने के लिए प्रोडक्ट को जो आप यूज टूल्स यूज करते हो उसको हम बोलते हैं प्रमोशन मिक्स। अब कौन कौन से हैं, वो एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में पहले एक बार बता देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट क्या है, जैसे कि आप टीवी और न्यूज आप टीवी में दे दो उसको, या फिर आप प्रिंट मीडिया में जैसे कि आपके अखबार आता है वहां पे दे दो, ठीक है। पर्सनल सेलिंग में क्या है कि डोर टू डोर जाके आप अपने प्रोडक्ट की सेल कर दो, ठीक है। सेल्स प्रमोशन में क्या आता है, आप डिस्काउंट दे दो। पब्लिसिटी में क्या आता है कि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट हो जिसको कि न्यूज़ में कवर हो जाए, जो अगर न्यूज़ में कवर होगा तो यार आपको पैसे नहीं खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब है सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है प्रमोशन के लिए, और ये इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कि जिसमें कि आप डायरेक्ट कस्टमर के साथ मतलब फेस टू फेस बात नहीं करते हो, आप मतलब अपना एडवर्टाइजमेंट देते हो, मतलब एक वीडियो बना के आप मतलब लॉन्च कर देते हो जिसमें कि आप फेस टू फेस कॉन्टेक्ट में नहीं आते, ठीक है। अब इसके मेरिट्स क्या है, सबसे पहले तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच कर पाओगे क्योंकि आपकी वीडियो आप मतलब बहुत लोग देखेंगे, आप उससे कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कस्टमर भी उससे सेटिस्फाई हो सकता है। एक्सप्रेसिवनेस हो सकती है कि आप अपने आप को जितना आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हो उतना आप बता दो। इकोनॉमी मतलब अगर आप प्रोडक्ट को मतलब बनाओगे तो सेल होगी, मतलब एडवर्टाइज करोगे तो सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आपकी कंपनसेट हो जाएगी, तो इकोनॉमिकल पड़ेगा आपको प्रोडक्ट। बट लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन देखो क्या है कि यार मतलब आप लेस फोर्सफुल हो, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आपका क्या है कि आपको आप एक बाउंडेड हो कि आपने एक जो वीडियो बना दी है बस वही वीडियो ही है, ठीक है। मतलब कस्टमर को आप मतलब कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, इससे आपको फीडबैक भी नहीं मिल रही है क्योंकि आप कस्टमर को तो मिल नहीं रहे हो, आप सिर्फ एक वीडियो बना के उसको लॉन्च कर रहे हो तो फीडबैक भी नहीं ले पा रहे हो। इनफ्लेक्सिबल है, आपने एक बार वीडियो बना दी वही है, बस उसी के ऊपर ही मतलब सारा आपका मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है वही घूमेगी, ठीक है। लो इफेक्टिवनेस है। अब ये सारी चीजें यार इतनी सारी आपको आप किसी को मतलब मिलके कन्विंस करो, और अगर आप टीवी पे किसी को कन्विंस करो तो दोनों में अंतर है, तो लो इफेक्टिवनेस भी रहता है इसमें। अब एडवर्टाइजमेंट के जो कॉमन ऑब्जेक्शंस इसके अगेंस्ट लगी हैं, सबसे पहले तो बोलते हैं कि यार एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, कॉस्ट को बढ़ा देता है क्योंकि टीवी में एड देने में भी कॉस्ट लगती है, सोशल वैल्यूज को अंडरमाइन कर देता है। कैसे करता है कि जैसे कि आपके पास एक आईफोन है, अब एक नया मॉडल आईफोन का आ गया तो उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि यार जो पुराना मॉडल है वो तो मतलब यार मेरा स्टेटस खराब हो गया, मैं उसको रखूंगा, तो एक मतलब सोशल वैल्यूज को अंडरमाइन कर देता है, ठीक है, कन्फ्यूज कर देता है बायर्स को कि यार मतलब इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट आ जाती
जाती हैं एक प्रोडक्ट के बारे में, तो यार मतलब प्रोडक्ट लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदें। इनकरेज सेल ऑफ इन्फीरियर प्रोडक्ट्स, आप एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी कर दो बट प्रोडक्ट खराब हो तो उससे भी आपका मतलब खराब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऑब्जेक्शंस हैं, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है, ठीक है। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, और एडवर्टाइजमेंट ऑन एंड ओवरऑल मतलब बहुत एन इफेक्टिव टूल है एक कंपनी के लिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग। देखो पर्सनल सेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्या करोगे, देखो कितने सारे एडवांटेज हैं इसके। पर्सनल सेलिंग करोगे तो या डोर टू डोर मार्केटिंग कर पाओगे, आप अपने प्रोडक्ट को बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचा पाओगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की फीडबैक ले पाओगे, ठीक है। उसके मुताबिक आप अपने प्रोडक्ट को आप रेक्टिफाई कर सकोगे, उसमें चेंज कर पाओगे, ठीक है। इससे आप लोगों को रोजगार दे सकते हो, मतलब बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, इकोनॉमी को आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। आप जो लोग मतलब गांव से हैं, ठीक है, वहां पे जाके आप अगर प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आप उनकी मतलब फीडबैक ले सकते हो, उनको अच्छे से समझा सकते हो, जो कि आप एक एडवर्टाइजमेंट में करना मुश्किल है, ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब है नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। अब आप एक मतलब बिग बाजार या रिलायंस मार्ट या कहीं पे भी जाओगे तो आपको मतलब ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव स्कीम्स आपको मिल जाएंगी। उसमें क्या होता है कि आपको प्रमोट किया जाता है, प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे किया जाता है, मतलब उसमें कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, उसमें कुछ डिस्काउंट्स दिया जाता है, ठीक है। तो प्रमोशनल एफर्ट्स में जो आप एडवर्टाइजमेंट में किए हो, पर्सनल सेलिंग में किए हो और पब्लिसिटी में किए हो, अगर आप उसको छोड़ दो तो सारे प्रमोशनल एफर्ट्स में काउंट होती हैं एक्टिविटीज। अब कौन कौन सी हो सकती हैं, सबसे पहले तो रिबेट दे दो। मान लो कि गाड़ियां हैं, ठीक है, गाड़ियों का अब मतलब सेल नहीं हो रहा है तो कंपनी क्या करती है कि 10,000 रुपया मतलब रिबेट कर देती है, कि टोटल में से 10,000 एक महीने के लिए वो रिबेट कर देती है, कि जो भी इस पीरियड में खरीदेगा उसको 10,000 सस्ता मिलेगा, ठीक है। तो रिबेट हो गया। अब डिस्काउंट, डिस्काउंट में क्या होता है कि 10% डिस्काउंट दे देगा एमआरपी पे। रिफंड में क्या होता है कि आप मान लो कि यार आप एक मतलब कहीं पे गए, ठीक है, तो आपको क्या है कि आप मतलब शॉप फूड फूड्स की दुकान पे गए, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि आपको लिफाफा अगर आप नहीं लेते हो या कुछ आप पैकेट नहीं लेते हो तो आपको कुछ पैसा कम देता है, तो उसको हम बोलते हैं रिफंड्स, ठीक है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में क्या है कि जैसे आप मतलब यार सर्फ एक्सेल लेने जाओ तो सर्फ एक्सेल के साथ आपको एक प्रोडक्ट के साथ मतलब कुछ और प्रोडक्ट भी साथ में उसके अटैच करके उसको दिया जाता है, ताकि आप मतलब यार ये 100 रुपए की चीज है, ठीक है, साथ में 20 रुपए की चीज भी आपको दी जाती है, कि टोटल यार मतलब अगर आप दोनों चीज एक साथ लोगे तो आपको 90 रुपए की चलो हम लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्वांटिटी गिफ्ट क्या है कि अगर आप मतलब 2,000 की सेल करो तो आपको 100 रुपया हम ऑफ दे देते हैं, 100 रुपए की मान लो कि आपको मतलब कुछ और क्वांटिटी दे दें, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी गिफ्ट। इंस्टेंट ड्राफ्ट क्या है कि अगर आप कुछ खरीदते हो तो आपको कोई इंस्टेंट ड्राफ्ट देते हैं, जिसको आप स्वाइप करके आप मतलब कुछ आप मतलब आपको गिफ्ट मिल सकता है। असाइंड गिफ्ट क्या है कि आपको यार मतलब पर्टिकुलर गिफ्ट आप आए हो, ठीक है, तो आपको आने पे कोई गिफ्ट दे दें कि हाँ यार आप आए हो, एक मतलब अच्छे कस्टमर हो, ठीक है, आपको रिटेन करने के लिए कुछ गिफ्ट दे दें। लकी ड्रॉस हो सकते हैं, ठीक है, जो आप मतलब ड्रॉ डाल दो, ठीक है, आपको मतलब एक गाड़ी भी निकल सकती है, आजकल बोलते हैं पर कभी निकली नहीं है हम लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट यूजेबल बेनिफिट, ठीक है, यूजेबल बेनिफिट क्या है कि वाउचर दे दें, कूपन दे दें, जिसको कि आप मतलब जैसे कि आप मतलब फ्लाइट बुक करते हो तो नेक्स्ट फ्लाइट में आपको मतलब वो कूपन यूज हो जाता है। फुल फाइनेंस दे दें, आपको बोल दें कि यार मतलब 0% ईएमआई पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप लोन अच्छे से ले सकते हो। इसमें सैम्पलिंग दे दो, मतलब जैसे आप मतलब बिग बाजार में जाते हो तो मतलब चिप्स खरीदने जाते हो तो नया कोई चिप्स आया तो उसको आपको सैंपल टेस्ट करवाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। कॉन्टेस्ट करवाया जाता है, एक क्विज रखा जाता है, ठीक है, जो उसमें अच्छा परफॉर्म करता है, एक प्रोडक्ट के बारे में क्विज रख देंगे तो लोगों को यार प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ेगा तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये भी सारे सेल्स प्रमोशनल के टेक्निक्स हैं। अब नेक्स्ट है पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी देखो, जैसे मैंने आपको बताया ये भी एडवर्टाइजमेंट की तरह है, लेकिन नॉन पर्सनल फॉर्म है। इसमें भी आप क्या करते हो, मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं करते कस्टमर के साथ, बट क्या होता है इसमें कि ये नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट में क्या था, एडवर्टाइजमेंट में पेमेंट करनी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है, बट पब्लिसिटी में पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जो कि मतलब बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको कि मतलब न्यूज में कवर किया जा सकता है। तो अब आपकी प्रोडक्ट खुद ब खुद ही, मैं जैसे कि टाटा नैनो की गाड़ी थी, सारे के सारे न्यूज मीडिया मतलब इसी के पीछे लग गए थे यार, मतलब खुद ही पब्लिसिटी हो गया था इसको, तो कुछ मार्केटिंग में पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
ठीक है, तो चलो आप कुछ एमसीक्यू ट्राई कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब कौन सी चीज इसमें से सही नहीं है। इट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी, बिल्कुल सही है यार। इट इज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सही है। इट इज कन्फाइंड टू फिजिकल प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट दो तरह के हो सकते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। इंटेंजिबल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो कि सर्विसेज हो, जैसे कि बैंक आपको देता है, लॉयर आपको देता है, डॉक्टर आपको देता है, ठीक है, तो वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट में काउंट होता है। तो सी इज द राइट आंसर। इन ऑर्डर टू प्रमोट द सेल्स ऑफ द कंपनी, मुकुंद लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू ऑफर कंज्यूमर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एट 0% फाइनेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मार्केटिंग फैक्टर बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइंस। देखो यार, कंट्रोलेबल फैक्टर है सबसे पहले, तो बिल्कुल सही है, कंट्रोल कर सकते हो आप डिस्काउंट को, अपने आपके हाथ में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में, उसको आप कैसे भी कर सकते हो, तो कंट्रोलेबल फैक्टर है। गुनीत वेंट टू अ शॉप, एक्सप्रेस हर डिजायर टू बाय अ कॉपर वाटर बॉटल ओनली फॉर ओनली ऑफ अ प्रेस्टीज कंपनी। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट रिलेटेड टू ब्रांडिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव केस। कंपनी का नाम बता दिया ना यहाँ पे, अगर लोगो देते तो ब्रांड मार्क होता, यहाँ पे ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क होता है, जो कि आपका जो आपका मतलब रजिस्टर्ड हो, जैसे कि आप आपने मतलब कॉपीराइट ले लिया हो जिसका। द टर्म मार्केट में बी अंडरस्टूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। देखो यार, मार्केट तो हर जगह ही एप्लीकेबल है, ज्योग्राफिकल एरिया जितना वाइड होगा, ठीक है, उतने आपको रिटेलर्स बिठाने पड़ेंगे, तो वहां पे भी एप्लीकेबल है। टाइप ऑफ बायर्स आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांसेक्टेड करने के लिए आप उसके मुताबिक आप रिटेलर्स डिसाइड करते हो, अपना जो ट्रांसपोर्टेशन आपका मतलब जो आप प्लेस डिसाइड करते हो, ट्रांसपोर्टेशन डिसाइड करते हो, ठीक है, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो सारा मार्केट के अंदर आता है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इट रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया था। तो सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। देखो आप अगर इसको अगर आप मतलब खुद अपना दिमाग लगाओ तो यार, मार्केटिंग प्रोसेस में क्या था, आपने नीड्स को सेटिस्फाई किया था, मार्केट ऑफर क्रिएट किया था, ठीक है, डेवलपमेंट एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म किया था जिसमें कि गुड्स को एक्सचेंज कर सको आप, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट अ कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर एन एक्सचेंज टू टेक प्लेस। देखो यार, एक्सचेंज करना है तो सबसे पहले तो आपके पास दो, एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए, ये तो ठीक है। ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू अदर। बिल्कुल, अगर वैल्यू दोगे तभी कोई पैसा देगा आपको, ऐसे थोड़ा देगा। ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अदर पार्टीज ऑफर। कोई बायोडेशन थोड़ा है यार, अगर आप चाहो तभी खरीदोगे। एक्सचेंज कैन टेक प्लेस इफ द बायर्स एंड सेलर्स आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। अगर कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो कैसे खरीद पाएंगे। तो सी इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड। अब एक रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसने ब्लड डोनेट करना है तो उसके भी एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, उसको भी मार्केट कर सकती है। केरला टूरिज्म क्या बोलता है कि यार मेरे केरला में आके घूमो, ठीक है, तो वो भी एक मतलब मार्केटिंग है। पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं कि हाँ यार, इस पार्टी को वोट दो, इस बंदे को वोट दो, तो वो भी एक तरह की मार्केटिंग है। तो इज द राइट आंसर। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट फीडबैक अबाउट दिस न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, टैगी लिमिटेड कनेक्टेड एन ऑनलाइन सर्वे थ्रू अ शॉर्ट क्वेश्चनियर। आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन बींग मेंशन इन द गिवन लाइन, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मार्केट को स्टडी कर रहा है ऑनलाइन सर्वे के थ्रू। नो नूपर लिमिटेड इज मार्केटिंग इज प्रोडक्ट ऑनलाइन। आइडेंटिफाई द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बींग अडॉप्टेड बाय द कंपनी। अगर वो सारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रहा है तो उसको कोई रिटेलर होलसेलर किसी की जरूरत नहीं है, तो जीरो लेवल चैनल हुआ। वन लेवल चैनल कौन सा था, जिसमें कि एक रिटेलर हो, टू लेवल चैनल में होलसेलर भी आ जाता है, थ्री लेवल चैनल में एक और एजेंट भी आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन डैश कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन दोज कंपनीज हु बिलीव इन दिस फिलोसफी दैट क्वांट क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ गुड स्टैंडर्ड कैन इजिली अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो क्वालिटी कहाँ पे था, प्रोडक्ट कंसेप्ट में था, ठीक है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या था, अवेलेबिलिटी करवाना था। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या था, सेटिस्फाई करना है कस्टमर्स को। सेलिंग कंसेप्ट में क्या है, प्रमोशन को कुछ भी टेक्निक यूज करो, सेल करना है बस हमने। डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि कैमरा अगर बड़ा है, ठीक है, एक किसी में कैमरा छोटा कर दिया किसी मॉडल में, ठीक है, किसी में प्राइस थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, प्राइस कम कर दिया, क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा दी, क्वालिटी थोड़ी सी कम कर दी, तो उसमें किस में करते हैं, ग्रेडिंग में करते हैं, ठीक है। पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट बट आल्सो सर्व्स एज प्रमोशनल टूल, बिल्कुल सही। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, देखो फोर पीस थे ना, तो उसमें से डी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पैकेजिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, पैकेजिंग का फंक्शन नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोटेक्शन करना है उसका, प्रमोशन करना है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना भी पैकेजिंग का काम है, तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और मैंने बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे से आपको इस तरह
मतलब पढ़ाया कि आपको मतलब ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका मतलब पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। चलो ओके, थैंक यू, खुश रहो, बाय।